हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर का जो पोर्शन है हम विंसर ईयर बुक 2024 वाली जो है उससे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और पूरे एक साल करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है, आप वहाँ से भी हमको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि केंद्र सरकार के सेरोगेसी और ARD बोर्ड में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो हैं यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर भी। नेक्स्ट बात करते हैं, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, यह झांकी किस विषय पर आधारित है? तो जो झांकी थी वो जो है मानस खंड के विषय पर आधारित थी और उत्तराखंड को इसमें जो है प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है यहाँ पर जगत सिंह, या जिसको हम सामान्य भाषा में जंगली भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के नितिन रावत को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस जनपद के निवासी हैं? तो ये जो हैं रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में यहाँ पर किया गया था? तो ये जो है देहरादून में किया गया था और सोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि जोशीमठ नगर भू दशाओं के कारण लगातार चर्चा में रहा, यहाँ NTPC की कौन सी योजना बनाई जा रही है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं NTPC की तपोवन विष्णु घाट परियोजना जो है यहाँ पर जोशी नगर में भू दशाओं इसी की वजह से यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य का पहला ऑल इज वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये जो पूरा ट्रैक है वो देहरादून में बनाया जा रहा है, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, इस वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाया गया और देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप्स को पुरस्कार दिए गए, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? तो उत्तराखंड के ऐसे 2 स्टार्टअप्स थे जिनको ये पुरस्कार यहाँ पर मिला था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया गया है? तो ये परीक्षाएं जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं गवर्नमेंट एग्जाम वाली, ये उन्हीं पर ही यहाँ पर लागू होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास डस्टलिक 2023 किया? तो वो किया है यहाँ पर उज्बेकिस्तान के साथ ये युद्धाभ्यास यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल के पद से यहाँ पर इस्तीफा दिया? तो ये जो है महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल थे और उन्होंने जो है अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में ही इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भगत सिंह कोश्यारी के अलावा उत्तराखंड के और कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे? तो वो थे यहाँ पर ND तिवारी, राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ND तिवारी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर देहरादून में, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, देहरादून। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते और पिछली बार यहाँ पर इसने कुल कितने पदक जीते थे? तो वो थे यहाँ पर 5 और अब की बार इनकी पदक संख्या जो हो गई है वो हो गई है यहाँ पर 7, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है? तो ये जो सुनना है वो है यहाँ पर मोटे अनाज से संबंधित है, राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर मोटे अनाज। नेक्स्ट बात करते हैं, गाँव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला
सरपंच को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। तो वो क्या गया है यहाँ पर, दो महिलाओं, जो दो महिला सरपंच है उनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में ये प्रश्न जो है बन सकता है। तो वो है यहाँ पर मुनस्यारी कहाँ, तो ये मुनस्यारी कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में है। तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रस्तावित है, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो वो किया गया है यहाँ पर गोवा में। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर गोवा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रश्न के बारे में कि वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो उनकी जो संख्या थी वो थी यहाँ पर 17। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2022 में शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, तो वो थे यहाँ पर 13। तो इनकी संख्या भी बढ़कर 17 हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ है, तो वो जो राइट आंसर है हमारे पास वो है यहाँ पर अल्मोड़ा। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, अल्मोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल से योजना में राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो है यहाँ पर देहरादून। देहरादून प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है, यह जो है इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है, तो वो है यहाँ पर कि नए पर्यटक स्थलों को इसमें शामिल किया गया है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है, तो वो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या, वह। नेक्स्ट बात करते हैं, मानसी नेगी ने किस अंतर विश्वविद्यालय एथलीट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो जो मेडल प्राप्त किया था इन्होंने यहाँ पर 20 किलोमीटर पैदल चाल में ये गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 2023 24 के लिए उत्तराखंड का बजट कुल कितनी राशि का है, तो राइट आंसर जो हमारे पास वो है यहाँ पर 77,407.08 करोड़। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल में उत्तराखंड किस जनपद में पाई गई है, तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में पाई गई है। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या, ब। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं, देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला माना गांव अब देश का पहला गांव होगा और यह गांव किस नदी के तट पर है, तो ये जो है सरस्वती नदी के तट पर है। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर सरस्वती। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतहा गांवों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो है यहाँ पर पौड़ी। राइट आंसर है हमारे पास क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं के संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो वो की है यहाँ पर ए हेल्प। ए हेल्प योजना जो है वो पशुओं के संरक्षण देने के लिए यहाँ पर की गई है। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए हैं, तो वो किए गए हैं यहाँ पर उद्धम सिंह नगर में। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या, उद्धम सिंह नगर। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर रहा, इस कार्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान यहाँ पर है, तो उत्तराखंड जो है यहाँ पर 14वें स्थान पर रहा, 14th प्लेस पर यहाँ पर उत्तराखंड रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है,
यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? यह जो पार्क है वो सितारगंज में बनाया जा रहा है। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो पूरा पुरस्कार है वो प्रोफेसर शेखर पाठक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता आ रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए बाकायदा संग्रह केंद्र बनाने जा रही है। यह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित है? तो यह जो जनपद में प्रस्तावित है वो जो है आपको देखने को मिलेगा हमारे पास यहाँ पर, जिसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर अपने पास है वो है यहाँ पर चमोली। चमोली में यहाँ पर इसका संग्रह केंद्र बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि G20 देशों को वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था यहाँ पर रामनगर में। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या, द। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गायों का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है, इसका नाम उत्तराखंड के किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है यहाँ पर गंगा नदी के नाम पर। राइट आंसर इसका जो है वो है यहाँ पर गंगा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन यहाँ पर किया गया है? तो वो है यहाँ पर सेतु आयोग। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर सेतु आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के किनारे अपने कैफे खोलने की योजना बनाई है, तो इन्हें BRO कैफे कहा जाएगा। यह ऐसा पहला जो कैफे है वो कहाँ पर खुला जा रहा है? तो वो यहाँ पर खुला जाएगा पांडुकेश्वर में। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर पांडुकेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह पर आयोजित किया जाएगा? तो वो यहाँ पर नरेंद्र नगर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई है? तो वो की गई है यहाँ पर चंपावत से। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर चंपावत। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, यह ट्रेन किन शहरों के बीच यहाँ पर चलाई जा रही है? ये जो है दिल्ली से देहरादून के बीच यहाँ पर चलाई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है, यह महोत्सव किससे संबंधित है? यह महोत्सव जो है वो मोटे अनाज से संबंधित है। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, यह योजना किससे संबंधित है? जो ये पूरी योजना है वो विदेश में नौकरी करने से संबंधित है। राइट आंसर जो होगा हमारे पास इसका वो है यहाँ पर क्या, बे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर को। तुंगनाथ जो है भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है मंदिर है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया है यहाँ पर जयसिंह रावत को। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर जयसिंह रावत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जो है यहाँ पर दूसरा स्थान जो है उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, G20 देशों की उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में हुई और इस बैठक का विषय क्या था? तो जो इस बैठक का जो विषय था वो था यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नागर विमानन मंत्रालय ने नैनी शैनी हवाई पट्टी को एरोडम का लाइसेंस दिया है, यह हवाई पट्टी किस जनपद में है? तो यह जो है वो पिथौरागढ़ में है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर। तो ये 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में आपका जो पार्ट हमारे पास यहाँ पर सेकंड है, वहाँ पर हम नेक्स्ट जो है बाकी बचे हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनकी लगभग जो संख्या होगी वो 50 यहाँ पर होगी। तो ये प्रश्नों को डिस्कस करा, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।